जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सभी बच्चे? खैरियत से? अच्छा बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज पाकिस्तान नेवी में टेक्निकल सेलर, नेवल पुलिस और एट्सट्रा जितनी भी कोर्सेज आए थे नॉन कमीशन के, पहला इनिशियल टेस्ट आज था। तो आज के टेस्ट में किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और स्टूडेंट्स ने कैसे अपना टेस्ट पास किया है, कम्प्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी कि आज के एक्सपीरियंसिस कैसे रहे हैं। इस वीडियो में हम टेक्निकल सेलर के और नेवल पुलिस के और आईटी ब्रांच वालों के एक्सपीरियंसी शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर कोई बच्चा है तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकता है। बाकी सिर्फ ये इन तीन जॉब्स के लिए ही टेस्ट में अभी तक मुझे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिकली हमने ये वीडियो बनाई है। पहला इनिशियल टेस्ट है सेलर का, टेक्निकल का एक्सपीरियंस नेम अली अहमद है, लाहौर सेंटर में इनका टेस्ट हुआ पाकिस्तान नेवी का। तो कहते हैं कि आज मेरा पाकिस्तान नेवी में टेस्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट पास हो गया। वर्बल नॉन वर्बल क्वेश्चंस थोड़े टफ थे, बट मैंने सर बिलाल के नोट्स किए थे, इजीली पास हो गया और एकेडमिक में बहुत बच्चे फेल हुए। ठीक है, तो कहते हैं कि आप अपनी तैयारी अच्छी करके जाएं। वर्बल नॉन वर्बल थोड़ा टफ था और कहते हैं कि एकेडमिक पोर्शन में बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो फेल हुए हैं आज। तो उसके बाद कहते हैं कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चार ऑप्शंस आपके पास होंगे, आपने बताना है कि मैकेनिकल एनर्जी कौन सी है इनमें से टाइप। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उसके बाद बच्चे इस बच्चे ने बताया है कि मैंने सर बिलाल आरिफ व्हाट्सएप 03497470489 के नोट्स बाय कार्ड की तैयारी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट ईजिली पास हो गया। थैंक्स सर, नोट्स बहुत अच्छे थे, बहुत क्वेश्चन सर के नोट्स से आए थे, ऑलमोस्ट 80% पेपर सर के नोट्स से आया था। थैंक्स, आप लोग भी बाय कर लीजिए, बाय कार्ड की तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी इजीली पास हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, इन्होंने हमसे नोट्स लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज इनका टेस्ट इजीली पास हो गया। ये अपना एक्सपीरियंस भी आपके सामने रख रहे हैं और कहते हैं कि 80% पेपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नोट्स से जो हमने इनको प्रोवाइड किए थे उन्हीं से आए। और आपको भी कहना चाह रहे हैं कि आप भी बाय करें, आप भी अपनी तैयारी अच्छी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की टाइप कौन सी है? तो ग्रेविटी हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन है, विच इज़ द अपोजिट ऑफ वर्ड हॉट। हॉट का अपोजिट क्या है? कूल्ड। ठीक है, ठंडा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ अ सिनोनिम फॉर हैप्पी। सिनोनिम बताना है हैप्पी का, जॉयफुल हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद कहते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम ब्रीक अलेक। ठीक है, आपने बताना है इडियम ब्रीक अलेक का, तो गुड लक हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, हु रॉट द पाकिस्तान नेशनल एंथम, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? वो अलामा इकबाल ने लिखा था। विच सिटी वाज द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान का क्या था जब पाकिस्तान बना था? तो वो कराची था। ठीक है, और कहते हैं अगेन थैंक्स टू सर बिलाल। What was done the Constitution of 1973 by the third martial law regime of General Ziaul Haq? तो उसने जनरल जियाउल हक ने क्या किया था? सस्पेंड कर दिया था 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको सस्पेंड कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद बेटा मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जिस बच्चे का पाकिस्तान नेवी में टेक्निकल सेलर का, नेवल पुलिस का, शेफ का, खतीब का, स्टीवर्ड का और आईटी ब्रांचेस का इनिशियल टेस्ट है, तो बेटा आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरी टाइम मोस्ट रिपीटिंग नोट्स, इंटेलिजेंस वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड मोस्ट रिपीटिंग एंड ग्रंटेड एकेडमिक, जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथ के नोट्स, पास्ट पेपर, पास्ट एक्सपीरियंसिस और वीडियो क्लासेज अवेलेबल हैं। और इंशाल्लाह अगर आप इनको कम्प्लीट कर लेंगे तो टेस्ट पास होने की गारंटी होगी। और बेटा बिगेस्ट डिस्काउंट है हमारी तरफ से, कंप्लीट मटेरियल आपको सिर्फ और सिर्फ 500 में मिलेगा। इस ऑफर को स्किप ना करें, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और इंशाल्लाह टेस्ट पास होने की फुल श्योरिटी है। जो जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो भी व्हाट्सअप कीजिए 03497470489 पे व्हाट्सअप कीजिए। अब आ गया हमारे पास नेवल पुलिस का एक्सपीरियंस कराची का 2024 का, अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी टेस्ट पास है। पहले बेटा इन्होंने कुछ वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चन बताए, 02, उसके बाद 83 और 164। ठीक है, तो आगे आपने बताना है कि क्या आएगा। उसके बाद कहते हैं कि डॉग इज टू बिच देन हॉर्स इज टू डॉग की फीमेल स्पीशी जो है वो क्या है? बिच। और हॉर्स की फीमेल क्या होगी? मेयर। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? मेयर। क्लास इज टू टीचर एंड हॉस्पिटल इज टू डॉक्टर। ठीक है, उसके बाद ये अल्फाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन है, अल्फा रेज प्रोटेक्ट, अल्फा रेज क्या प्रोटेक्ट करती हैं?
सी ओ सी ओ टू रेशो इज़, और कहते हैं कि टाइम वाले सवाल ज़्यादा थे, वर्बल इंटेलिजेंस में टाइम सीक्वेंस के जो क्वेश्चन है कहते हैं कि वो ज़्यादा थे। और बेटा अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा स्टूडेंट है, इन्होंने भी बताया कि मैंने सर बिलाल आरिफ वर्चअप 03497470 के नोट्स बाय करके तैयारी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट इजीली पास हो गया, नोट्स बहुत से बहुत क्वेश्चन आए थे। थैंक्स सर, आप लोग भी सर के नोट्स बाय करके प्रिपरेशन कीजिए और अपना टेस्ट पास कीजिए। जिस तरह आपके सामने सभी बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नोट्स को प्रिपेयर करके जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं अपना टेस्ट पास किया है, तो बच्चों आप भी आ जाओ, इंतहाई अफोर्डेबल फ़ी है, आप पे करो, तैयारी शुरू करो, इंशाल्लाह आपका भी टेस्ट ईजिली पास होगा, ताकि आपका भी एक्सपीरियंस हम इस चैनल पर अपलोड करें। द बिगेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़, बिगेस्ट आइसलैंड वर्ल्ड का दुनिया का क्या है, ग्रीन लैंड, ठीक है। उसके बाद है द सिटी विच इज़ द बिगेस्ट सेंटर ऑफ फॉर मैनुफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल इन द वर्ल्ड, ऑटोमोबाइल की सबसे ज़्यादा मैनुफैक्चरिंग कहाँ से हो रही है, डिटेरियोट USA से। द कंट्री विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन द वर्ल्ड इज़ USA, ठीक है। मीन्स के जो हम केमिस्ट्री की बुक में लफ्ज़ पढ़ते हैं मैंगनीज, ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री के चैप्टर्स में ये मैंगनीज का आता है, तो ये उसके रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो USA इसका सबसे बड़ा प्रोसीजर जो है वो प्रोसीजर है, बिल्कुल प्रोड्यूसर। द कंट्री विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, देखें ये जनरल नॉलेज में आपको क्वेश्चन आते हैं, नेवल पुलिस में इस तरह के ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इसमें मैट्रिक साइंस वाले भी और आर्ट्स वाले भी बच्चे अप्लाई करते हैं, तो इसमें उन्होंने डबल जो क्वेश्चन था, जो बायो में भी आए आर्ट्स में भी आए, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मीन के जनरल साइंस जिसको कहते हैं। तो कौन रबड़ का प्रोड्यूसर कौन है सबसे बड़ा, मलेशिया। कहते हैं इंग्लिश के साइनोनियम एंटोनियम प्रीपोजिशन के यूजेस थे, टोटली सर टेस्ट सर बिलाल के नोट्स से पास किया मैंने, थैंक्स। तो बेटा अगेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस बच्चे का टेस्ट करीब है तो आप आ जाओ बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट OPT नोट्स अवेलेबल हैं, और बिगेस्ट डिस्काउंट भी है, सिर्फ 500 रुपीज़ में आपको सारे नोट्स मिल रहे हैं, इससे कम फी और क्या होगी। तो बेटा आ जाओ, कंप्लीट इंटेलिजेंस एंड अकेडमी के नोट्स लो और अपना टेस्ट पास कीजिए। अब बेटा डायरेक्ट इंट्री सेलर में थी IT ब्रांच वालों की, तो बेटा उनका कंबाइन एक्सपीरियंस है मेरे पास, सखर सेंटर का गुलाम मुर्तजा 5 जून आज का टेस्ट, और माशाल्लाह पास हुआ। कहते हैं कि वर्बल नॉन वर्बल लिटिल बिट इजी बट प्रिपेयर वेल, ठीक है बेटा आपने रिस्क नहीं लेना। जिस बच्चे की तैयारी अच्छी होती है वो यही कहता है कि अच्छे थे आसान थे, जिसकी नहीं होती वो यही कहता है कि मुश्किल है। इफ़ माई ब्रदर सिस्टर इज़ योर मदर देन हु आई एम टू यू, तो अंकल, ठीक है। इफ़ फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज़ मंडे देन द 12th डे आपने बताना क्या होगा, तो वो फ्राइडे होगा। इफ़ 5 men राइट 5 pages इन 5 minutes देन 1 man विल राइट 1 page इन 5 minutes, ठीक है। नॉन वर्बल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के क्वेश्चंस थे, देखिए वर्बल नॉन वर्बल इस तरह की हैं, और एकेडमिक में कहते हैं कि ज़्यादा अच्छा IT वालों को जिनका टेस्ट, उनको यही कंफर्म नहीं था हो रहा कि हमारा एकेडमिक में क्या आना है, तो इन्होंने बताया कि एकेडमिक में ज़्यादातर IT कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे, लाइक जो इन्होंने आगे एक्सपीरियंस शेयर किया, डिफ़ॉल्ट पेज साइज ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट इज़ लेटर, मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज़ कॉल्ड होम पेज, मेन पेज इसका क्या होता है होम पेज, ठीक है। उसके अलावा बेटा इस बच्चे ने बताया है कि आई हैव प्रिपेयर सर बिलाल आरिफ व्हाट्सएप 03497470489 नोट्स, अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई हैव पास्ड माय टेस्ट इजीली, थैंक्स आर स्पेशली एकेडमिक पोर्शन बहुत रिपीटेड थे आपके नोट्स से, आप भी बाय कर लीजिए, इजीली आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, जिस तरह मेरा हुआ है। जिस तरह ये बच्चा बता रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमारे नोट्स को प्रिपेयर करके अपना टेस्ट पास किया, तो बच्चों आप भी आ जाओ, कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, स्पेशली आपके IT ब्रांच के, IIT के, ITTA के तमाम नोट्स अवेलेबल हैं, आप अपना टेस्ट प्रिपेयर करें और अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नोट्स को प्रिपेयर करें और अपना टेस्ट पास करें, ठीक है। कहते हैं MS ऑफिस सेव आउटलुक फाइल विद एक्सटेंशन PS, ठीक है, शॉर्टकट की टू सेव एनी डॉक्यूमेंट इन MS ऑफिस, तो सेंट्रल प्लस C जो है वो, सेंट्रल प्लस S जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है, सेंट्रल प्लस C जो है वो किसके लिए यूज होता है, कॉपी के लिए। इन वर्ड द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ इज लेफ्ट अलाइन, द शॉर्टकट की टू यूज फॉर अलाइन इन द टेक्स्ट सेंटर इज सेंट्रल प्लस E, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इन विच यू इंटर द डाटा MS Excel इज सेल, ठीक है, सेल हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बेटा आपने देखा कि आज वाले एक्सपीरियंसेस इस तरह के टेस्ट आए हैं, तो अगेन मैं बताता चलूँ बेटा, जिस बच्चे का टेस्ट करीब है वो आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट OPT नोट्स पास पेपर प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो क्लासेज अवेलेबल हैं, वो भी सिर्फ 500 रुपीज़ में, इतना ज़्यादा डिस्काउंट आपको दे दिया है, तो आप आओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट OPT नोट्स परचेज करो और अपना टेस्ट पास करो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।